हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपकी क्लास सिक्स की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसमें यूनिट टू जो है फ्रेंडशिप है, उसमें एक पोएम है, ए फ्रेंड्स प्रेयर, एक मित्र की प्रार्थना। इस पोएम को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी एक्सरसाइज भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। आज हम जो है ये आपकी पोएम है फ्रेंड्स प्रेयर, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कुछ उसको जानेंगे और साथ में जो है कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो मेन पॉइंट्स में पहली बात है, द पोएम इंक्लूड सिक्स स्टैंजाज, कविता में छह पद हैं। ईच स्टैंजा एम्फेसाइजेस अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप, प्रत्येक जो स्टैंजा है वो फ्रेंडशिप यानी मित्रता उसके जो उसका जो अलग पहलू है, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, उसका जो अलग पहलू है उस पर जोर देता है। इट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंडशिप्स इन द पोएट्स लाइफ, कवि के जीवन में जो फ्रेंडशिप है उसके महत्व को अंडरस्कोर करती है ये कविता। इट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंडशिप्स इन द पोएट्स लाइफ, कवि के जीवन में मित्रता के महत्व को यह कविता अंडरस्कोर करती है। थर्ड है, द पोएट एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फ्रेंड्स, कविता जो है कवि जो है यहाँ पर आभार व्यक्त करता है या आभार व्यक्त करती है, पोएटेस है यहाँ पर, द पोएट एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फ्रेंड्स, जो विशेष मित्र हैं उनकी उपस्थिति के लिए यहाँ पर जो कवित्री है वो आभार व्यक्त करती है। एंड एम्स टू रेसिप्रोकेट देयर काइंडनेस, और ये उद्देश्य रखती है कि वो उनकी काइंडनेस को जो है रेसिप्रोकेट करेगी। फोर्थ है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट, एक कमिटमेंट जो है, कोई बात मान लो कह दी तो उसको पूरा करना उसको कमिटमेंट कहते हैं, जो प्रॉमिस की है उस पर खरा उतरना। तो कमिटमेंट इंसान एक बार कर देता है तो उसको उससे मुकरना नहीं चाहिए। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट, बात को पूरा करना उसकी एक तीव्र समझ है, भावना है। टू कॉम्प्रीहेंडिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिंग मीन्स हेल्प करना, सहायता करना। एंड फुलफिलिंग द विशेस ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों की जो विशेस हैं उसको पूरा करना। फिफ्थ है, द पोएम एडवोकेट्स फॉर जेन्युइन एक्सेप्टेंस, पोएम जो है कविता जो है वकालत करती है या जोर देती है जेन्युइन एक्सेप्टेंस पर। जेन्युइन होता है प्रॉपर और एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति। एंड लव अफेक्शन फॉर फ्रेंड्स विदाउट जजमेंट, जो फ्रेंड्स बिना जजमेंट के होते हैं उनके लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है, वो है मनी, फ्रेंडशिप, फेम, सक्सेस। चार ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। What is the most important thing to the speaker? स्पीकर के लिए सबसे important चीज़ है मित्रता, दोस्ती। ये poem पूरी की पूरी friendship के ऊपर है। What is the most important thing to the speaker? Friendships. Option B correct है। Second पर चलते हैं, What does the speaker want to do more than just sharing hopes and plans? स्पीकर जो है क्या करना चाहती है, मोर देन जस्ट शेयरिंग होप्स एंड प्लान्स, जो आशाएं और जो योजनाएं हैं उनको जो है शेयर करने के अलावा के अतिरिक्त। वॉट डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर देन जस्ट शेयरिंग होप्स एंड प्लान्स, ए कीप सीक्रेट्स, बी हेल्प फ्रेंड्स, सी कम्पीट और डी इग्नोर। तो वो फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहती है स्पीकर, राइट आंसर होगा हेल्प फ्रेंड्स। थर्ड है, हाउ डज द स्पीकर वॉन्ट टू लव देयर फ्रेंड्स, जो स्पीकर है वो कैसे अपने दोस्तों को प्यार करना चाहती है, ए फ्रॉम अफार, बी विदाउट जजमेंट, सी सीक्रेटली, डी कंडीशनली।
राइट आंसर है विदाउट जजमेंट, बगैर जजमेंट के। चलते हैं अब फोर्थ पर। फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अनुसार यानी पोएम के अनुसार, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट देयर स्पेशल फ्रेंड्स। स्पीकर यानी जो आपकी जो पोएटेस है वो कैसे फील करती है, यानी जो प्रेयर हो रही है यहाँ पर एक फ्रेंड की, उसमें जो स्पीकर है वो अपने स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में कैसे फील करती है। ए स्ट्रेस्ड, बी सैड, सी ब्लेस्ड, डी एंग्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी ब्लेस्ड। फिफ्थ है व्हाट डज द स्पीकर प्रॉमिस टू डू फॉर देयर फ्रेंड्स। स्पीकर क्या वचन देती है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करेगी। ऑप्शन ए नथिंग, ऑप्शन बी इग्नोर देम, ऑप्शन सी डिसअपियर, ऑप्शन डी ट्राई देयर बेस्ट। तो वो अपना भरसक प्रयास करेगी, तो ऑप्शन डी ट्राई देयर बेस्ट जो है राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पोएम ए फ्रेंड्स प्रेयर के की पॉइंट्स किए और 5 MCQs किए। पोएम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।